इसमें शामिल हैं। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस ने यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि चाहे वो ऐसा दावा है कि उनको जो है वो चोट पहुंची है इस प्रोटेस्ट के दौरान। और यहाँ पर अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष है यूथ कांग्रेस के आकाश जो है, और उनका कहना है कि हाथ जो है वो चोटिल हुए हैं। और इसी तरीके से अगर बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि देवेंद्र यादव यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। और आप यहाँ पर तो ये जो है देख सकते हैं कि लगातार जो है वो कांग्रेस ने प्रदर्शन किया हुआ है। और दीपक बैज का कहना है कि प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। क्या मैं निमरान के साथ मुमताज जी न्यूज 18 छत्तीसगढ़। तो ये तस्वीरें आप देख ही पा रहे होंगे, और हमारी संवाददाता जो हैं उन्होंने ग्राउंड जीरो पर क्या हाल है उसका जायजा लिया। सचिन पायलट भी इसमें मौजूद थे, भूपेश बघेल मौजूद थे, और तमाम कांग्रेस के विधायक मौजूद थे, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। बता दें कि इसी प्रदर्शन विधानसभा के घेराव को देखते हुए यहाँ पर मार्गों में भी परिवर्तन किया गया था। और देखिए ये तस्वीरें भी यहाँ पर जो है वो नजर आ रही हैं, जिसमें जो युवा कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता जो हैं वो भी यहाँ पर इस प्रदर्शन में शामिल हुई, और कांग्रेस के दिग्गज नेता इसमें शामिल हुए हैं। रायपुर से ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं कि कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, और किस इस वाटर कैनन के इस्तेमाल के दौरान पुलिस बल का कुछ प्रयोग भी किया गया, और इसी में कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता जख्मी भी हुए हैं। तो बड़ा जंगी प्रदर्शन यहां पर विधानसभा का घेरा, और किस मुद्दे को लेकर कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है, इस मुद्दे को लेकर ये बड़ा प्रदर्शन। आज कांग्रेस ने वैसे भी ऐलान कर रखा था कि हम प्रदर्शन करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। इस घेराव के लिए ही कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि जैसा पुलिस व्यवस्था करके पहले से रखती है, पुलिस ने व्यवस्था करके रखी थी कि आगे कार्यकर्ता न बढ़ पाए, और रास्ते में बैरिकेडिंग की गई थी, उसको क्रॉस करने की पार करने की कोशिश करते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे थे। और उसके बाद पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, ये भी आरोप लग रहे हैं कि बल प्रयोग भी किया गया जिसमें कार्यकर्ता चोटिल भी हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये रायपुर विधानसभा का घेराव करने के लिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले थे उनकी आप तस्वीरें देख सकते हैं। पुलिस के साथ भिड़ंत भी यहां पर हुई है, कुछ यहां पर महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता जो है वो भी यहां पर नजर आई है, उन्होंने भी खूब नारेबाजी की है। और कुल मिलाकर ये विरोध प्रदर्शन जो है ये सरकार को घेरने के लिए, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए ये प्रदर्शन किया गया था। और कांग्रेस का लगातार ये कहना है कि कानून व्यवस्था जो है वो प्रदेश में लचर होती जा रही है और प्रदेश सरकार के बस की बात नहीं है कानून व्यवस्था को संभालना, ये लगातार आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं, और इसी को लेकर यहाँ पर ये प्रदर्शन किया गया। हालांकि पुलिसकर्मी जो है वो समझाते और यहां बैरिकेड से दूर करते हुए नजर भी आए, देख सकते हैं कि पूरे रास्ते को ही बंद कर दिया गया था। यहां पर लोहे की मोटी मोटी बड़ी बड़ी चद्दरें लगा दी गई थी ताकि इसे कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता क्रॉस न कर पाए, और पुलिस बल भी यहां पर पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद था। पानी के जो छींटे जो है वो छोड़े गए, फव्वारे जो है वो छोड़े गए, और चरणदास महंत शामिल हुए, नेता प्रतिपक्ष हैं, भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा सचिन पायलट को भी आप देख पा रहे थे, सचिन पायलट जो हैं वो भी शामिल हुए हैं। तो पूरी ताकत कांग्रेस की तरफ से यहां पर इस प्रदर्शन में देखने को मिली है, पूरी ताकत कांग्रेसियों ने यहां पर लगा दी। तो देखिए ये तस्वीरें जो हैं ये बताने के लिए काफी है कि कितना बड़ा जंगी प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से आज यहां पर किया गया। विधानसभा को घेराव करने की कोशिश की गई, सचिन पायलट की अगुवाई में ये पूरा प्रदर्शन हुआ, और लोहे की बड़ी बड़ी चादरें यहां पर लगा दी गई थी ताकि कार्यकर्ता जो हैं वो आगे ना बढ़ पाए। इसके लिए पूरी व्यवस्था इंतजाम जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया था। तो ये तस्वीरें जो हैं ये आप देख सकते हैं प्रदर्शन के दौरान वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। ममता हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। ममता, यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, जंगी प्रदर्शन, भूपेश बघेल, चरण दास मैन, सचिन पायलट, तमाम बड़े नेता कांग्रेस के मौजूद रहे, कुछ चोटें आई हैं ये भी जानकारी मिल रही है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर अभी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आप देख सकते हैं कि अभी भी जो कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है, और यूथ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है आकाश
जो है उनका कहना है कि उनको जानबूझकर चोट पहुंचाई गई और उनका ऐसा आरोप है कि जो है प्रोटेस्ट रोकने के लिए पुलिस ने जबरदस्ती की। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि लगातार ये प्रदर्शन जो है वो अभी भी जारी है और दीपक बैज के साथ ही अगर बात करें तो दीपक बैज अभी भी वहां पर मौजूद थे और इसके साथ ही अगर बात करें तो लगातार जो है वो कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में आपको नजर आ रहे होंगे। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो दीपक बैज का कहना है कि उनके जो शर्ट है वो फाड़ दी गई, पुलिस ने पकड़ के उनका कुर्ता फाड़ा। दूसरी तरफ जो कार्यकर्ता है उनको चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, ऐसे अपने आरोप है। अभी भी आप देखिए कि लगातार पुलिस कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो कार्यकर्ता है जो प्रदर्शनकारी है उनको हटाया जाए। दूसरी तरफ अगर बात करें तो अभी भी कोशिश जो है वो लगातार वो चल रही है कि किसी तरीके से कार्यकर्ताओं को हटाया जाए, लेकिन कार्यकर्ता जो है वो अभी भी मौजूद है। हालांकि सचिन पायलट जो है वो निकल चुके हैं और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज भी जो है अभी यहाँ से रवाना हुए हैं उस प्रोटेस्ट की जगह से, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मौजूद है और लगातार पुलिस उनसे कह रही है कि वो नीचे, लेकिन बैरिकेड्स के ऊपर वो अभी भी यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। और लगातार अभी तक की बात करें तो वाटर कैनन का उपयोग जो है वो पुलिस ने किया हुआ था, लेकिन अभी अगर बात करें तो वो अभी इस तरह से कुछ किया नहीं जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी शक्ति प्रदर्शन की जो कोशिश है वो युवा कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, एनएसयूआई के लोग कर रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी कोशिश जो है वो पुलिस कर रही है कि कार्यकर्ता जो है और जो पदाधिकारी है उनको हटाया जाए। लेकिन उसके बाद भी अगर बात करें तो ये जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है और ये आप देखिए कि लगातार जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर डटे हुए हैं। पुलिस की पूरी कोशिश है कि हटाया जाए, बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। कई पदाधिकारी जो है वो सामने चले गए हैं। फिलहाल तो लग रहा है कि एक से दो घंटे तक ये प्रोटेस्ट जो है वो अभी चलेगा। हालांकि सचिन पायलट जो है वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। वही सवाल है कि अगुवाई जो कर रहे थे, जिनकी अगुवाई में ये प्रदर्शन हो रहा था, वो सब तो चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर सचिन पायलट हों, प्रभारी जो हैं वो सब तो निकल गए। तो जो सेनापति होते हैं वो अगर वहां से मैदान से चले जाते हैं तो फिर ये प्रदर्शन किस बात का, ये प्रदर्शन अभी भी चल रहा है? बहुत सारे पदाधिकारी जो है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है, तरफ वो कूच करेंगे। विधानसभा जो है वो 3 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी और अभी भी देखिए दीपक बैज फिर से वहां पर पहुंच गए हैं और आप देखिए कि दीपक बैज फिर से बैरिकेड से उसकी तरफ पहुंच गए। उन्होंने जो है वो उठाया हुआ है और वो लगातार दीपक बैज वहां पर दिखाई दे रहे हैं और जो आकाश है वो भी यहां पर मौजूद है, विकास उपाध्याय आपको वहां पर दिखाई दे रहे होंगे, जो यूथ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आकाश जो है उनका हाथ जो है वो जरूर पूरी तरीके से जख्मी हो गया था। हम कोशिश करते हैं कि हम जो है वो सामने जाने की कोशिश करें। यहां पर काफी जो है वो बैरिकेडिंग की गई है, फिर भी जो है हम कोशिश करते हैं कि हम किसी तरीके से पहुंचे। आप यहां पर देखिए कि तमाम जो पदाधिकारी है कार्यकर्ता है वो मौजूद है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ इस भीड़ के बीच पहुंचने की। ये देखिए यहाँ पर पुलिस ने जो है वो रोक के रखा हुआ है, जो सर मौजूद है और हम विधानसभा कूच करने की ओर कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश में अपराध का गढ़ बन चुका है, लगातार ये जो अपराध का गढ़ है उसको रोकने के प्रयास को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल दीपक बैज जो है ये रस्सी जो कूद करके जो है वो ये जो है हम आप कोशिश करते हैं कि दीपक बैज तक के पहुंचे और जी आपको दिखाएं वहां पर के किस तरह की जो स्थिति है वो यहां पर है। और देखिए बैरिकेड्स जो है वो फिर से तोड़ने की कोशिश की जा रही है और अभी जो है दीपक बैज को कार्यकर्ताओं ने उठाया हुआ है और ये अभी तक ये था कि दीपक बैज एक बार लौट गए थे, फिर से वापस लौटे हैं और ये इस तरीके से बिल्कुल हमारा घेराव ऐतिहासिक रहा।
हम सरकार को सबसे बड़ा चेतावनी दी है कि छत्तीसगढ़ को अपराध घटना बनाए, मेरा नेता फिर से संघर्ष हमारा जारी रहेगा। सरकार डर के वजह से ऑटो कैनन का इस्तेमाल किया, पूरे सड़क को घेरेबंदी कर दी, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ कि शांतिपूर्वक आज जो दो बैरिकेड को तोड़ने में सफल रहे। अगर सरकार सुधरती है ठीक नहीं आने वाले समय में हमारा प्रदर्शन और तेज करेंगे हम। कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं ने जो है वो दीपक बैज को उठाया हुआ है और दीपक बैज जो है वो दोबारा वापस लौटे थे, यहाँ से वो चले गए थे उसके दोबारा वापस लौटे। इधर देखिए विकास उपाध्याय जो है वो यहाँ पर मौजूद है और विकास उपाध्याय जो है उनको भी कार्यकर्ताओं ने उठाया हुआ है। तो ये पूरी जो बैरिकेडिंग जो की गई थी जी, कपड़े फाड़ दिए गए उठा करके मेरे को कीचड़ में फेंका इन पुलिस वालों ने। यही भारतीय जनता पार्टी है, जब से भारतीय जनता पार्टी बैठी है तो मात्र अपराध चल रहा है, जनता के हित का कुछ नहीं है यहाँ, जनता को छुतिया बनाया ये लोगों ने। और इस तस्वीर